हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका रोज़ की तरह हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की सुख और दुख आते हैं, जिनका हमें निवारण कैसे करना चाहिए, कैसे अपने जीवन को सजोकर रखना चाहिए। अगर हमको आज मैंने मेरा शीर्षक है कि कठिनाइयाँ सुख की सोपान है, यानी कठिनाइयों से ही हम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। जब तक हमारे जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आएंगी, तब तक हम वास्तविक सुख का भोग नहीं कर सकते हैं। वास्तविक सुख और मनोशांति की, मनोसंतुष्टि की सबसे बड़ी प्राप्ति होती है कि जब हम कठिनाइयों से जूझ कर, कठिनाइयों से चुनौती लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ा करके जब हम अपने जीवन को अपने परिवार के भरण पोषण के लायक बना लेते हैं, तो उसमें हमारा जीवन, उस जीवन में हमको अपार संतुष्टि की प्राप्ति होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने आज कठिनाइयाँ सुख की सोपान है इस संदर्भ में अपने विचार प्रकट किए हैं। दोस्तों, आपको अच्छे लगेंगे, चाहे कोई बच्चा हो, कोई युवावस्था में हो, बाल्यावस्था में हो, यौवनावस्था में हो, वृद्धावस्था में हो, सभी के लिए ये परिदृश्य आता है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी कठिनाइयाँ आती हैं, कभी खुशियाँ आती हैं। ये सब चीज़ों को हमको अपने जीवन में आती रहती हैं, हमको इनसे चुनौती लेके आगे बढ़ना पड़ता है। और वास्तव में कठिनाइयों से जीवन को आगे ले जा करके जो चीज़ हमारे अंतरात्मा में, हमारे मस्तिष्क में जो संतोष की प्राप्ति होती है, वह ज़िंदगी में एक बहुत बिना कठिनाइयों से जीवन यापन किए हुए लोगों के जीवन में नहीं आता है। कठिनाइयों का मतलब ये है कि हम बचपन से ही कितनी विषम परिस्थितियों में जो आदमी जूझ करके आगे बढ़ता है, वह उसके लिए बहुत ही बड़ा प्रेरणा का स्रोत बनता है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने लिखा है, हम जानते हैं पूरे संसार को भवसागर की संज्ञा से भी विभूषित किया जाता है। इस संसार को भवसागर ही कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है संसार का सागर अर्थात उत्पत्ति। इस संसार में जितने भी प्रकार के जड़ चेतन अवस्था में हों, जो भी प्राणी होते हैं या वस्तुएं मौजूद होती हैं, उन सब का सृष्टि में किसी न किसी के रूप में उपयोग किया जा रहा है, उपयोग करते रहेंगे आगे तक। हम अपने, जब तक हमारा जीवन रहेगा, जब तक आगे आएगा, यानी मनुष्य जब तक रहेगा तब तक वह उसका उपयोग करता रहेगा। जितने भी प्रकार के जड़ व चेतन हैं, सभी एक दूसरे के पूरक होते हैं। जड़ चेतन जो हैं, ये हमारे एक दूसरे के पूरक हैं। इनके बगैर हमारा अस्तित्व नहीं रह सकता है। एक इस पूरकता को परिपूर्ण करने में मानव द्वारा सबसे मुख्य भूमिका निभाई जाती है। मानव जो है इस परिपूर्ण जीवन का भोग करने का सबसे अच्छा अगर कोई प्राणी है तो वह मानव है। इस भूमिका को अदा करने और सही मार्गदर्शन देने के लिए साकार रूप में मनुष्य ही एक ऐसी शक्ति है, जिन्हें एक ओर सभी सुखों के भोगने का अवसर मिलता है, तो उसी प्रकार दूसरी ओर वह मानसिक और शारीरिक मुसीबतों का भी सामना उसको करना पड़ता है। मानव ही ऐसा है जो सुखों के भोग के साथ मुसीबतों का सामना भी करना उसी को पड़ता है, क्योंकि मानव को ही सुख और दुख का वास्तविक एहसास होता है। क्योंकि मस्तिष्क जितना मानव का परिपक्व होता है, उतना परिपक्व किसी का नहीं होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में कहा भी है कि रहिमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होई, हित अनहित या जगत में जान परत सब को। तो सुख में तो हमको सब साथ देते हैं,
उगते हुए सूरज को सब प्रणाम करते हैं, लेकिन ढलते हुए सूरज को कोई प्रणाम नहीं करता है। उसी प्रकार सुख की बेला में हमारे बहुत अपने हो जाएंगे, सब लोग हमारे साथ आएंगे, सब लोग हमारे पीछे लगे रहेंगे, सब लोग हमारा हमसे संपर्क करेंगे, लेकिन जब दुख आता है उसमें चुनिंदा लोग ही हमारे पीछे रहते हैं, जो वास्तव में जीवन के सुख और दुख के सबसे बड़े सोपान होते हैं। दोस्तों, प्राय ऐसा पाया गया है कि संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे अपने जीवन में किसी न किसी रूप में मुसीबतों का सामना न करना पड़ा हो। हर व्यक्ति को मुसीबतों के सामने से जूझना पड़ता है। जिस प्रकार दिन के बाद रात का आना आवश्यक है, उसी प्रकार सुख के बाद दुख भी स्वाभाविक है। यह नितांत आवश्यक है कि जब तक दुख की अनुभूति और अनुभूति जीवन में नहीं होती है, सुख के आनंद की परख करने की क्षमता हमारे अंतःकरण में पूर्णतया नहीं हो पाती है। सुख की अनुभूति तभी संभव होती है जब दुख का पुट साथ साथ रहता है। दुख और सुख दोनों एक साथ आते रहते हैं। सामान्यतः हम जानते हैं, सामान्यतया दुख के समय हम वेदनाओं के जाल में फंसे रहते हैं और उससे किसी भी प्रकार से बाहर निकलने के प्रयास करते हैं। हमारा भरसक प्रयास यही रहता है कि हम इन वेदनाओं से बाहर निकलें। यद्यपि यह जीवन अत्यंत निराशाजनक होता है, सभी जानते हैं, जब आदमी परेशानियों में होता है, विपत्ति में होता है, परेशानियों में होता है, तो उसमें उसका जीवन नितांत निराशाजनक होता है और वह अपने जीवन को अंधकार में समझता है। उसी अंधकार से जूझ करके हमको प्रकाश की ओर बढ़ना है, लेकिन यही समय हमारे जीवन रूपी भविष्य का मार्गदर्शन होने के साथ यह प्रकृति का वास्तविक स्वरूप है। हमारी प्रगति का सब प्रगति जो हम करते हैं, हम जो अपना उत्थान करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रेरणा हमको इसी स्थान पर मिलती है। जब निराशा हमारे जीवन में आती है, वही निराशा हमको अगर हम सूझबूझ से काम करेंगे, वही निराशा हमको आगे बढ़ाने में मददगार होगी। मनुष्य रूप में अवतरित होकर हर व्यक्तित्व के जीवन में सुख और दुख दोनों का अनुभव होना नितांत आवश्यक है। अगर हमको सुख और दुख दोनों का एहसास नहीं होगा, हम वास्तविक जीवन यापन नहीं कर सकते हैं और हम जीवन के बारे में हम जमीनी हकीकत को नहीं समझ पाएंगे। जब तक हम जमीन से नहीं जुड़ेंगे, अगर हमको परेशानी आएंगी तो हम जमीन के साथ हमारा लगाव रहेगा, हम हर चीज़ को देखेंगे, लेकिन अगर हमें हमेशा सुखी सुख रहेगा तो हमारे अंदर जमीनी हकीकत नहीं आएगी, जिससे हमको कहीं से भी प्रेरणा नहीं मिलेगी और हम ऊपर ही ऊपर अपना जीवन बिताएंगे और हमको दीन दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। अच्छा और बुरे का हम वास्तविक परिभाषा नहीं कर सकते हैं, वास्तविक स्वरूप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार में आज तक जितने भी शरीरधारी होते हैं, जितने भी शरीरधारी व्यक्ति हैं, जो भी शरीर लिए हुए प्राणी हैं, उन्हें केवल सुख और दुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। जब हमारे अस्तित्व में यह बात घर कर जाएगी तो निश्चित ही हमारे आत्मचिंतन में उद्विग्नता का कभी उदय नहीं होता है। जो मानव इस रहस्य को अपने जीवन का आधार समझने लगेगा, वास्तविक ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय होकर महान व्यक्तित्व की श्रेणी में जाकर सामाजिक कल्याणकारी अभिव्यक्ति से सुसज्जित हो जाएगा। यानी अगर हम सुख और दुख की दोनों को बराबर रूप से संपन्न करने की वेदनाएँ शक्ति हमारे अंदर होगी, तो हम समाज में कल्याणकारी अभिव्यक्ति से सुसज्जित हो सकते हैं। वही इंसान, क्योंकि सुख हमेशा सुख में रहा इंसान वास्तविक दुख की वास्तविकता को नहीं जान सकता है। वह अगर एक छोटे से व्यक्ति से लेके एक छोटे से मजदूर से लेकर के एक छोटा कर्मचारी लेकर के उसका वास्तविक उसका जीवन कैसा है, उसके बारे में वह कल्पना नहीं कर सकता है। विज्ञान चाहे कुछ भी नया करने में सक्षम हो, दोस्तों विज्ञान चाहे कुछ भी करने में सक्षम कितना भी सक्षम हो, लेकिन सृष्टि का सृजन तो परमात्मा द्वारा ही किया गया है, इसे वैज्ञानिक भी नकार नहीं सकते हैं। परमात्मा या सृष्टि द्वारा निर्मित चीज जन कल्याणकारी होंगी, वह किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए निमित्त नहीं है। परमात्मा द्वारा निर्मित चीज समूचे जनमानस की बराबर भागीदारी होती है।
पशु पक्षियों से लेकर मानव मात्र में माँ को जन्मदात्री, माँ जो जन्मदात्री होती है उसका अपने बच्चों पर असाधारण प्रेम होता है, ये सभी जानते हैं। यह भी ईश्वरीय वरदान है, लेकिन माँ के द्वारा उसे बड़ा करने के लिए कुछ कार्य करने ऐसे करने पड़ते हैं जो बच्चे को अप्रिय लगते हैं, जैसे कि बालक के बीमार हो जाने पर उसे कड़वी या तीखी दवाओं का सेवन मजबूरन पिलाना ही पड़ता है। वह उस समय उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए तत्कालिक यानी क्षणिक कष्ट को नज़रअंदाज कर उसको स्वस्थ होने की पूर्णतया कोशिश करती है। आपने देखा होगा एक छोटा गाय है, जो भी जिंदे भी जानवर हैं उनको अपने बच्चों के साथ कितना प्रेम होता है। वह अपनी जीभ से उनको चाट चाट करके उनको उनकी जीभ में एक लार होती है, उसी लार से वह मेडिसिन का काम करती है और उसी से अपने बच्चे का लालन पालन करते हैं और वह अपना बच्चा उसका कष्ट में है करके उनको पता चल जाता है। जानवर के अंदर भी इतनी बुद्धि होती है, इसी का मानव जीवन भी है। ठीक इसी प्रकार सृष्टि के सृजनकर्ता परमात्मा का भी हमारे जीवन में अहम भूमिका होती है। मात्र गहन सोच विचार की आवश्यकता होती है कि कठिनाइयों या विपत्तियां हमारे जीवन की परीक्षा के उपमान हैं। हमारे जीवन में कभी न कभी सुख और दुख की परीक्षा की घड़ी आती है। जब परिणाम घोषित होते हैं वही हमारे धैर्य और सहनशीलता की सबसे बड़ी चुनौती का प्रसाद है, जिसे हम नतमस्तक होकर शिरोधारी करते हैं। जब हमको परिणाम और सुख दुख के बाद अगर हमको सुख की प्राप्ति होती है, उसमें जो परिणाम हमारे सामने आते हैं वही हमारे जीवन में जैसे भगवान का प्रसाद हम प्राप्त करते हैं, वह हमारे जीवन में प्रसाद के समान है। दोस्तों, सदाचार, संयमी और सच्ची मानवता से ही प्रेरित व्यक्तित्व में हमेशा परमात्मा का वास होता है, इस चीज़ को निश्चित करिए। किसी धर्म, किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी भी उससे संबंधित हो, लेकिन वह किसी रूप में परमात्मा को मानता हो, लेकिन बिना सदाचार, संयम और सच्ची मानवता से प्रेरित व्यक्तित्व में ही परमात्मा का वास होगा, खुदा का वास होगा, भगवान का वास होगा। हर व्यक्ति के हृदय में किसी न किसी रूप में परमात्मा का वास होता है। परमात्मा हमारे हृदय में रहता है, हमको उनको जगाना है, उनको अंदर से साकार करना है और तो हमारी पूरी शक्ति जगेगी। लेकिन दया दृष्टि बहुत आवश्यक है, हमको सभी के साथ दया भाव रखना बहुत ज़रूरी। अगर हमारे में दया करुणा नहीं होगी, हमारे मस्तिष्क में दया नहीं होगी तो हम मानव कहलाने के लायक नहीं हैं। अगर कोई आदमी निर्दयता का व्यवहार हमेशा निर्दयी रहता है, उसमें कठोरता रहती है, तो वह किसी का भी अपना नहीं होता है, उससे लोग दूर भागते हैं, ये निश्चित है। जो दया भाव वाले लोग होते हैं लोग उससे संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं, उनके नज़दीक आते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, यही हमारी मानवता का सबसे बड़ा सूत्र है। शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार नारद जी को विष्णु भगवान के रूपवान बना दिया था, रूपवान बना दिया होता तो निश्चित ही स्वयंवर में उनका भी विवाह हो गया होता, लेकिन उनकी अच्छाई के लिए उन्हें बानर का रूप धारण कर कुछ समय के लिए उन्हें दुखी कर दिया। परंतु सोचने की बात है, उनको भविष्य में होने वाले संकट से बचा लिया। उनके जीवन में जो भविष्य में संकट होने वाला था उसको भगवान ने बचाने की कोशिश की। इसीलिए किसी भी प्रकार की विपत्तियों को कुछ समय के लिए होती, जो समयकालीन होती है, कुछ समय के लिए होती है, वे कभी भी अहित के लिए नहीं होती हैं। उसको हमें उस कठिनाई से सबक मिलता है, वह हमारे जीवन का आधार बनती है, उसी से हमारा जीवन बढ़ता है। विपत्ति से ही उन्नति के द्वार खुलते हैं, जो हमारे जीवन के मार्ग को प्रशस्त करने में और नए नए कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा निर्धारित करती हैं। आप जो भी बड़े बड़े मानव हैं, आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे राष्ट्रपिता राष्ट्रपति थे, जो भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, अब्दुल कलाम इतने बड़े महान विचारक थे, वह कहाँ से कितनी विपत्तियों से आगे बढ़ के उनका जीवन बना है। दोस्तों, कल्पना करने की बात है, आज वह इतने बड़े पदों में कैसे पहुँचते हैं। उन्होंने विपत्तियों से सामना किया है, उन्होंने चुनौती की है, वे आगे बढ़े हैं, वो उन्होंने हर क्षण को देखा है। जितने भी लोग हमारे बड़े हुए हैं, अब स्वामी विवेकानंद हैं और कहीं से भी हमको प्रेरणा मिलती है, तो वह हमारे जीवन के सबसे बड़े आधार होते हैं। उन्होंने कठिनाई से ही अपना जीवन यापन किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने 14 वर्ष का वनवास लिया, क्या उनको कठिनाइयाँ नहीं हुई होगी? अवश्य हुई होगी। यही कठिनाइयाँ हमारे जीवन की सबसे बड़ी स्रोत होगी।
और अगर कठिनाइयाँ नहीं होंगी हम अपने जीवन को साकार नहीं बना सकते हैं। विपत्ति कभी भी, विपत्ति के समय इंसान को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। निराशा हमारे जीवन का कोई भी वो क्षेत्र नहीं होना चाहिए। निराशा में भी हमको आशा का, आशा के बीज बोने चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा किसी भी, मैं तो युवा वर्ग से भी कहता हूँ, जो जितने भी युवा हैं, युवाओं से भी कहता हूँ कि कभी जीवन में निराशा ना आने दें। भगवान ने आपको चार हाथ पांव दे रखे हैं, आपके लिए हर द्वार खुले हैं, हर मार्ग खुला है। अगर मनुष्य के अंदर चार हाथ पांव हैं तो वह कुछ भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, वह कैसे भी अपने जीवन यापन कर ले, कुछ भी कर सकता है। ये सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। आप अपने को, बहुत लोग क्या करते हैं, निराशा होकर के गलत कदम उठा लेते हैं, गलत जगह जाते हैं, लेकिन ये कोई हल नहीं होता है, ये जीवन यापन करने का हल नहीं है। छोटा काम करके हम बड़े बनते हैं और बड़े से ही बड़ा, बड़े एकदम बड़े कोई नहीं बनता है। छोटे छोटे काम करके हम आगे बढ़ते हैं, यही हमारी सीढ़ी दर सीढ़ी हमको आगे पहुंचाती है, इसी में हमारा अस्तित्व जीवित रहता है। विपत्ति दोस्तों, विपत्ति हमारे विश्वास और कर्मों के फल हैं। ज्ञानी लोग इन्हें अपने जीवन में प्रयोगिक करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जो विचारवान होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, महर्षि होते हैं, मुनि होते हैं, वह तो कष्टों को अपने ऊपर धारण करने की कोशिश करते हैं। भगवान शिव ने क्या किया था, शिव जी ने कहा कि जो सबसे खराब से खराब चीज़ है वह मेरे ऊपर अर्पित कर दूँ, मैं उसको सब धारण कर लूँगा। यानी संसार की पूरी विपत्तियों को अपने ऊपर लेते थे और लोगों का कल्याण करते थे। ये प्रेरणा हमको, ये उन्होंने कितने कष्ट किए होंगे, उन्होंने भी कष्ट किया होगा, कांटे वाली चीज़ों को वह धारण करते थे। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, हमारे शास्त्रों की मर्यादा बहुत ही गहरी है। उसकी चरम पर पहुंचना, उसकी गहराई में पहुंचना हमारा जन्म सिद्ध, हमको पहुंचना चाहिए। हर इंसान को अपने मस्तिष्क को उसकी तरफ उनकी तरफ लगाना चाहिए और एक एक चुनौती के रूप में उसे स्वीकार करके उससे अपने जीवन में नवीन अनुभवों के रूप में अवतरित कर प्रतिकूलता को अनुकूलता में परिवर्तित करने का दमखम रखना चाहिए। समय काल के लिए जिस प्रकार नीम का सेवन करने से कड़वाहट आ जाती है जो विपत्ति की सूचक बनती है, लेकिन आने वाले जीवन में अनेकों बीमारियों के उपचार के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियों में प्रयोग की जाती है, जो सभी प्राणियों के जीवन को स्वस्थ कर रखने में मददगार सिद्ध होती है। इसी प्रकार विपत्ति कड़वी अवश्य लगती है, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम सकारात्मक दिशा प्रदान करने में अहम भूमिका अदा करती है। दोस्तों इस चीज़ को मनन करना है सबको। नीम जैसी कड़वी चीज़ में शरीर के ताप को भी सामान्य करने की क्षमता होती है, जिससे शरीर में निर्मलता आ जाती है। विपत्तियों में भी प्रतिकूलता को अनुकूलता में परिवर्तित करने की क्षमता विराजमान होती है। अतः कभी भी जीवन में प्रतिकूलता आती है तो उसमें भी कभी न कभी अच्छाई छिपी रहती है, इस बात को समझ लेना चाहिए। अगर हमारी कहीं बुराई हो रही है उसमें भी हमारी कहीं अच्छाई छुपी हुई है, इस बात को मनन करना चाहिए, उससे निराश नहीं होना चाहिए। इसी पहचान को समझना हमारी सबसे बड़ी विजयश्री है। प्रायः ऐसा होता है कि हमारी अनभिज्ञता के कारण हम कहीं वर्तमान को देखते हुए किसी भी परिणाम को नकारात्मक दृष्टि से सोचते का मन बना लेते हैं, लेकिन भविष्य के आगामी परिणाम सकारात्मक तथा सफलता की दहलीज में पहुंचाने का कार्य करती है। जो भविष्य के इनके जो परिणाम होते हैं वह हमारे जीवन को सफल बना देती हैं, हमको आगे बढ़ा देती हैं, हमारा जीवन सफल कर देती हैं। कठिनाइयों विपत्तियों से भी मानव मात्र में समस्त सुख और वैभव के सोपान छुपे हुए हैं। आवश्यकता होती है कि धैर्य और समन्वयशीलता की। हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, धैर्य की आवश्यकता है, समन्वयशीलता की आवश्यकता है। गंतव्य पथ का लगातार अनुसरण करना हमारी सबसे बड़ी वृत्ति है, जिसके परिणाम जीवन की सार्थकता को परिवर्तित करने और हमें निर्धारित लक्ष्य की ऊंचाइयों की ओर अग्रसित करके संतुष्टि प्रदान करने का भविष्य को संवारने की प्रेरणा से अभिभूत करने की अभिव्यक्ति है। यानी हमको जो है अपने गंतव्य, जिस जगह पर हम पहुंचना चाह सकते हैं वहां पर हम पहुंच सकते हैं, यदि हमारे हमें अनुसरण करने की शक्ति हो, हम कठिनाइयों और विपत्तियों से जूझना जानते हों, हम उनसे चुनौतियां लेना चाहते हैं, वही हमारे जीवन के प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। हौसले दोस्तों, हौसले हमेशा बुन रखने की चाहत रखना सीखें।
हौसले हमेशा बुलंद रखने की चाहत रखना सीखें, दर्द में भी हिम्मत साहस के पैगाम पहनकर जीना सीखें, दर्द में भी हिम्मत साहस के पैगाम पहनकर जीना सीखें, कठिनाइयों की चोटों में भी विश्वास जगाना सीखें, कठिनाइयों की चोटों में भी विश्वास जगाना सीखें, हरदम निर्भीक होकर आत्मविश्वास से आगे बढ़ना सीखें, हरदम निर्भीक होकर आत्मविश्वास से आगे बढ़ना सीखें, जहाँ भी रहें जिंदगी हंसते हंसते गुजारने की पहल करें, जहाँ भी रहें जिंदगी हंसते हंसते गुजारने की पहल करें, निज कर्म पथ पर चलते हुए कठिनाइयों के से लड़ना सीखें, निज कर्म पथ पर चलते हुए कठिनाइयों से लड़ना सीखें। निश्चित है एक दिन किस्मत क्या क्या रंग दिखलाएगी, निश्चित है एक दिन किस्मत क्या क्या रंग दिखलाएगी, सबको अपनी मंजिल मिल जाएगी सबको अपनी मंजिल मिल जाएगी। दोस्तों, ये थी मेरा आज की रचना, आज का लेख था ये, जिसमें मैंने कठिनाइयों सुख की सोपान के बारे में लिखा है। बिना कठिनाइयों की हम अपने जीवन में सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारे जितने भी विचारक हैं, हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए, हमारे जितने भी प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, बड़े बड़े पदों पर आसीन हुए, उन लोगों ने बहुत बड़ी तपस्या करके अपने जीवन को सार्थक बनाया। उनका जीवन कोई आरामदायक नहीं रहा, उन्होंने काफ़ी परेशानियों से जूझ जूझ कर एक एक चीज़ से अपने जीवन को, जीवन का सबक बनाकर, उसको प्रेरणा स्रोत बनाकर उन्होंने अपना जीवन यापन किया। हमको सबसे पहले जैसे अब्दुल कलाम हैं और जैसे इस समय हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और बड़े बड़े संत जैसे योगी जी हैं, और बहुत बहुत जैसे मतलब कोई भी बड़े पदों पर बने हुए हैं, जो बड़े विचारक हैं, और स्वामी विवेकानंद हैं, इन लोगों की जीवन, महात्मा गांधी जिन्होंने कभी तन में कपड़े ही नहीं पहने, उनके जीवन से जिनको आज हम मतलब राष्ट्रपिता के रूप में मानते हैं, आज उनसे हमको क्या प्रेरणा मिलती है, उन्होंने कितने कष्ट किए होंगे, उस समय की परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने अपना जीवन सही यापन किया। परिस्थितियाँ जैसी होती हैं वैसा इंसान को बनना पड़ता है। उन्होंने कितनी विपत्ति, आप किसी के भी चरित्र का अगर पूरा विस्तार से पढ़िए तब पता चलेगा कि मतलब बिना कठिनाइयों के कभी भी जीवन में अच्छाई या सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। दोस्तों, मेरा स्वयं से भी, अपने समाज से भी, अपने बच्चों से भी, पूरे युवा वर्ग से भी सबसे बड़ी बात सबसे बड़ा निवेदन यही है कि जीवन में कभी भी निराशा न आने दें, अपने जीवन को सकारात्मक बनाएं। अगर आपको कभी परेशानी होती है, कोई भी चीज़ होती है, तो आपने अपने माता पिता और अपने गुरुजनों, अपने से बड़ों का स्मरण करना चाहिए, उनसे अपनी परेशानियों के बारे में व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहिए, और अपनी परेशानियों को का आदान प्रदान करना चाहिए, कहीं ना कहीं से उसका निराकरण होगा। क्योंकि आज के समय में हमारा युवा वर्ग जो है वह ज़्यादा मतलब बेरोज़गारी है, तमाम टाइप की परेशानियां हैं, उससे जूझ रहा है, उसके लिए सरकार निर्णायक कदम उठा रही हैं, उसको सभी युवा वर्ग को सोचना चाहिए, सरकार की नीति जो होती है उसको आप मनन करना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। अगर आपके अंदर कठिनाइयों से जूझने की शक्ति आएगी, आपको चुनौती से लोहा लेना पड़ेगा, चुनौतियों से लोहा लेंगे, आप कर्मठ होंगे, आप मेहनती होंगे, आप आगे बढ़ने की सोच रखेंगे, अपने माता पिता को कभी धोखा नहीं देंगे, अपने माता पिता के विचारों के अनुसार चलेंगे, तो उनके धन का सही सदुपयोग करेंगे, निश्चित ही है एक दिन आपका जीवन साकार होगा, आप उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे। दोस्तों, इसमें कोई भाषण देने वाली बात नहीं है, ये वास्तविकता है।
अगर हम बचपन से अगर हम कठिनाइयों से जूझना सीखेंगे, निश्चित है हम कहीं न कहीं एक बिंदु पर परमात्मा हमारे हमको हमारी सहायता करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम अपने जीवन को भी आगे बढ़ाएंगे, अपने परिवार को भी आगे बढ़ेंगे और अपने समाज को भी आगे बढ़ाएंगे, अपने देश को भी आगे बढ़ाएंगे और विश्व में भी हम अपना स्थान प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से छोटे छोटे घरों से भी आज बच्चे आगे बढ़ करके कितना कीर्तिमान बढ़ा, हमारे देश की प्रतिभा, हमारे देश में इतने प्रतिभाशाली युवा हैं जिनको मैं कहता हूँ कि कठिनाइयों से कभी भी उलझना नहीं चाहिए, कठिनाइयों के समय आपको दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, अपने मस्तिष्क को स्वच्छ रखना चाहिए, आपको उनसे जूझने की चुनौती लेनी चाहिए और आगे बढ़ने के प्रयास करने चाहिए। अगर एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, एक न एक बार आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आपका एक रास्ता अवरुद्ध हो जाता है तो आप दूसरे रास्ते को अपनाकर अपना सामंजस्य स्थापित कर अपने माता पिता के द्वारा, अपने बड़ों द्वारा, अपने शिक्षकों के द्वारा उनसे प्रेरणा लेकर के आप दूसरे रास्ते के चुनकर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज की बढ़ती हुई जनसंख्या में हर व्यक्ति के जीवन में चुनौती है, हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ हैं, हर व्यक्ति को कठिनाइयों से जूझना पड़ता है, उनसे हमको सामना करना है, अपने भरण पोषण के उपाय ढूंढने हैं और उसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमें कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वह कृषि क्षेत्र हो, राजनीति क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी संगीत का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो और खेल जगत हो, सभी क्षेत्रों में हमारे लिए काफ़ी संसाधन हैं। हमें जहाँ पर हम फिट बैठ रहे हैं, जहाँ पर हम अपने को अपना मन, हमारी अंतरात्मा बोलती है, हमको वहीं उसी बिंदु उसको पकड़ना चाहिए। इसमें कभी भी छोटे से छोटा और छोटा काम को नहीं दिमाग में रखना चाहिए, छोटा बे काम करना, हमको सबसे ज़्यादा सबसे मेल रख करके, सबके साथ भाईचारा रख करके, सबका सम्मान करते हुए आगे बढ़ने की सोच होनी चाहिए। तभी आप बताइए, आज हम अपने देश के प्रधानमंत्री, जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में सोचें कि जिन्होंने चाय के बिजनेस, चाय का व्यापार करके ऐसा इतने बड़े पद की प्रतिष्ठा को प्राप्त किया और आज वे प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हैं और दुनिया भर में, विदेशों में भी उनका इतना परचम लहरा रहा है, ये सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब ये है, यहीं से हमको हर नागरिक को यहीं से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हम अगर छोटे हैं तो हम अगर हम नीचे पद पर हैं, हम कहीं से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई रास्ता भगवान अवश्य देगा अगर हमारी नियति सही हो। नियति अगर सही है, आप में कर्मशीलता है, आप में कर्मठता है, आप में लगनशीलता है, आप में धैर्य है, आप में संयम है, तो अवश्य एक दिन हर व्यक्ति आगे बढ़ेगा। कहीं किसी को कम मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा, इसमें कोई पछतावा भी नहीं करना चाहिए। इंसान को अगर भगवान ने हमको चार हाथ पांव दे रखे हैं तो हम कुछ भी करके खा सकते हैं। इंसान को अपने को सबसे श्रेष्ठ समझना चाहिए, चाहे वो कहीं पर भी हो। यही हमारी अंतरात्मा की सबसे बड़ी आवाज़ होती है, इसी आवाज़ को हमको अपने दिमाग के अंदर रखना है और इसी से हमको आगे बढ़ना है, तभी हमारा युवा वर्ग संतोष की प्राप्ति करेगा। जितना मिलता है, जो मिलता है, उसमें सुख प्राप्त करें। कभी भी गलत निर्णय अपने जीवन में ना लें, क्योंकि हमारा देश हमेशा आदर्शवादी रहा है। हमारे देश की नीति में, हमारे देश की जो परंपरा है, उसमें भाईचारा है, उसमें बहुत ही मेघावीपन है, विलक्षणता है। हमारे देश के नागरिकों में इतनी विलक्षणता है कि वह कहीं पर भी वह हो जाते हैं। आज हमारे देश के नागरिक विदेशों की तरफ जा रहे हैं, क्रीम जो है अच्छा है वह बाहर की ओर जा रहा है। इसके लिए सरकार को भी उपाय करने चाहिए कि हमारा अच्छा क्रीम, जो अच्छे लोग हैं, वो बाहर न जाएं, उनको यहीं पर सुविधा दी जाए। जिस चीज़ के लिए वो बाहर जाना चाहते हैं, विदेशों में जाना चाहते हैं, उनको यहीं पर रखा जाए। इन्हीं कारणों का समाधान अगर हम ढूंढ लेंगे अपने देश में, तो किसी भी व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। सबसे ज़्यादा कठिनाई में आज युवा वर्ग है, उनकी सोच, क्योंकि युवा वर्ग का प्रतिशत हमारे देश में 65% के आसपास है।
65% है जो कि वह उसके लिए उसके जीवन को कारगर बनाने के लिए हमको नए नए उपाय ढूंढने चाहिए। इसमें जैसे प्रधानमंत्री जी ने अग्निपथ का प्रारंभ किया है, कुछ लोगों को इसमें विरोध कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन क्यों कर रहे हैं क्यों कर रहा है, ये युवा वर्ग के लिए वैसे प्रभावी कदम है, लेकिन मैं तो सबको कहूँगा कि इसके लिए पुनः विचार करना चाहिए, अच्छी प्रकार सोचना चाहिए। ये हमारी जैसे किसी युवा को कोई भी रोज़गार नहीं मिला है तो उसको कुछ न कुछ द्वार खुलेंगे, कुछ समय के लिए उसको कुछ प्राप्त होगा, उसी अगर वह इसको प्राप्त कर लेंगे आने वाले भविष्य में उनको दूसरा रास्ता मिलेगा, दूसरे रास्ते से भी वो खा सकते हैं, लेकिन वर्तमान तो आपका कुछ रहेगा, उस चीज़ को सोचना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हम इसका मनन नहीं करेंगे, इसकी सोच नहीं बनाएंगे, इसको अपने अंतर्मन में नहीं रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी लोगों से ये कहता हूँ कि कठिनाइयों से कभी मत डरो, और कठिनाइयाँ ही हमारे जीवन के सुख के सबसे बड़े सोपान हैं, उन्हीं से हमें सुख प्राप्त होगी। कभी भी जो इंसान कठिनाइयों से जूझ कर चुनौती लेकर आगे बढ़ेगा, वही उसी में सबसे बड़ा मानव होने का अभिमान है, वही सबसे बड़ा दूत है देश का, और उसके अंदर सब कुछ सहन करने की शक्ति है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सबसे यही कहता हूँ कि संयम से रहें, कठिनाइयों से जूझना सीखें, सुख की अनुभूति अवश्य होगी। एक न एक दिन हर इंसान की परीक्षा होती है, सुख अवश्य मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सुख और दुख दोनों भाई हैं, कभी अगर दुख है तो सुख आना निश्चित है, इसलिए कठिनाइयों से कभी मत डरें। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये बातें अच्छी लगी, ये विचार अच्छे लगे, तो अधिक से अधिक लोग इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मेरी बात पहुंचे, लोग इसको समझें मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या देश के बारे में कहना चाहता हूं, क्या युवा वर्ग के कहना चाहता हूं, क्या हमारे माँ बाप का क्या कर्तव्य होना चाहिए अपने बच्चों के लिए, उसको भी देखना चाहिए हमको, उनको कठिनाइयों की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। जितना भी है हमने जो कमाया है अपने बच्चों पर लगाना चाहिए, बच्चों को भी उसका सदुपयोग करना चाहिए, यही मानव जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। इसी से हम कठिनाइयों से चुनौती लेते हुए सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, और एक दिन अपना जीवन, अपने परिवार, अपने समाज और देश और विश्व में अपना स्थान परचम लहरा सकते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। सब मैं बड़ों को मेरा बार बार नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद, सभी का जीवन उत्तम रहे, परमात्मा का ध्यान लगाएं, परमात्मा का स्मरण करें, कोई भी काम करते हैं भगवान का नाम लें, चाहे कोई खुदा लें, कोई परमात्मा लें, सब एक ही हैं, हम एक ही भाई हैं, एक ही शरीर है, एक ही खून है, एक ही हमारे शरीर के पूरे अंग हैं, फिर मतभेद किस बात का। दोस्तों, एक ही चीज़ है कि कठिनाइयों से कभी मत पछताइए, एक न एक दिन जो है हमारे जीवन में सुख की अनुभूति होगी, यह निश्चित है, ये इसको इससे कभी घबराना नहीं चाहिए, आगे बढ़ने की सोच रखनी चाहिए। कितनी बार भी प्रयास करने पर एक न एक दिन हमारा देश समर्थवान होगा, हम आगे बढ़ेंगे, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। मैं सबका अभिवादन और धन्यवाद देते हुए सबके उत्तम जीवन की कामना करता हूं, और परमात्मा से कहता हूं कि हमारे देश के जो 65% युवा वर्ग है उनको बल प्रदान करें, उनको अच्छी बुद्धि दें, वो अच्छे मार्ग पर चलें और हमारे देश का नाम रोशन करें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबका धन्यवाद, सबका आशीर्वाद, जय भारत।